welcome you all again on the YouTube channel of TechCubeGate classes. Okay, so those who have not subscribed yet, kindly subscribe so that you will get the notification whenever we'll upload the lectures. Okay, so this is all about me. Okay, and in the last classes, basically we started our subject that is machining and the machine tool operations. Okay, and this is the lecture 3. In the last lecture, second lecture, we discussed about the purpose and the principle of the machining operation, and we discussed about the concept of the directrix and the generatrix. Okay, so this is the third lecture, and in today's lecture we are going to discuss about the basic terminology of the metal cutting, and we'll also discuss about the relationship between chip thickness ratio, rake angle and the shear angle. Okay, so once again I welcome you all in the Let's Crack the Gate along with the TechCube faculties. Okay, so let's start. So for the basic terminology, to understand about the basic terminology of the metal cutting, I'm using two figures. First, that is a simple figure of a body which is about to machine. Okay, and we are using the simple cutting for that. Okay, ओके पहले हम इसको देख लेते हैं. देखिए ये आपकी एक बॉडी है जिसकी आप डायमेंशन इनिशियल को एक बॉडी है मेटलिक बॉडी मान लीजिए जिसकी डायमेंशन आपकी बी ठीक है हाइट एच मान लीजिए और इसकी जो लेंथ है दैट इज एल ठीक है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके दैट इज एल बी एच ठीक है एल बी इंटू एच. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव टू रिमूव द मटेरियल ठीक है मेटल कटिंग हमें करना है. So what we are doing is we are taking a single point cutting tool or simple आपका अगर हम मैं सिंपल कटिंग कहता हूँ तो आपका एक चीजल मान लीजिए ठीक है तो चीजल या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको हमने मान लीजिए कि इनिशियली आपने कुछ डेप्थ ऑफ कट चूज कर लिया एंड लाइक दिस इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यू आर टेकिंग. ओके मान लीजिए कि ऐसा है कि अगेन कैलकुलेटर आ गया हमारा लास्ट टाइम भी हमने काफी डिस्कशन किया था इस पर तो मान लीजिए कि ये आपका एक फ्रंट से आपको ये वाला पोर्शन जितना दिख रहा है ये इसकी थिकनेस ये हाइट है एच ठीक है और इसकी कुछ ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ मान लीजिए ठीक है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. नाउ ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है यहाँ पे ठीक है इतनी जो थिकनेस है हमें रिमूव करनी है. सो वी आर होल्डिंग द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लाइक दिस एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके तो मान लीजिए कि ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो कटिंग कब होगी कटिंग होगी जब आप इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को इस डायरेक्शन में पुश करेंगे ठीक है. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब है कि ऐसा टूल जिसकी आपके जिसके पास जिसके कटिंग एजेस हैं राइट नाउ अभी यही समझ लीजिए आप. नेक्स्ट बाय द वे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे उसकी ज्योमेट्री को बट राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज रियली रिक्वायर्ड थ्रू विच बेसिकली वी आर गोइंग फॉर द मशीनिंग पर्पज ठीक है. Now, अगर आपने सिंगल पॉइंट कटिंग चूज किया है और आपने कुछ आपको कुछ मटेरियल रिमूव करना है इस बॉडी से देन व्हाट यू हैव टू चूज इज यू हैव टू चूज सम डेप्थ ऑफ कट ठीक है. तो ये आपने डेप्थ ऑफ कट चूज करनी है. नाउ अगर आपकी सिंपल कटिंग है तो हम इसको डेप्थ ऑफ कट ना कह के हम लोग इसको अनकट चिप थिकनेस कहते हैं दैट इज अनकट चिप थिकनेस ठीक है अनकट चिप थिकनेस ठीक है. नाउ वी आर मूविंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन दिस डायरेक्शन ठीक है. तो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन बाय द वे फॉर दैट ऑल्सो देखिए क्या है कि हमें अगर इस बॉडी से मटेरियल को रिमूव करना है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को मूव करना है देन वी हैव टू होल्ड सम फोर्सेस ओवर दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. एक तो वर्टिकल से होल्ड करना पड़ेगा एक वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में भी हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा ठीक है. बट हम अभी यहाँ पर फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है. फोर्सेस की बात हम बाद में करेंगे ठीक है. तो अभी आप प्लीज वो चीज दिमाग में मत लाइएगा कि वी आर होल्डिंग द फोर्सेस डेफिनेटली वी आर होल्डिंग द फोर्सेस बट राइट नाउ वी आर नॉट दैट इज नॉट आवर बेसिक. ओके तो ये हमने एक अनकट चिप थिकनेस चूज कर लिया मतलब डेप्थ ऑफ कट चूज कर ली एंड वी आर रिमूविंग द मटीरियल ठीक है. नाउ इसमें
जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन दिस इज आवर मेन सरफेस ऑफ दिस टूल. ओके, हम मैं इसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में अच्छे समझाऊंगा सेकंड फिगर में. बट यू जस्ट ट्राई टू एज्यूम के लाइक दिस इज माय हैंड एंड जस्ट ट्राई टू एज्यूम दैट दिस इज बेसिकली द वर्क पीस. ओके, इसके नीचे जो पोर्शन है उससे क्या करना है कि हमें इस थिकनेस को रिमूव करना है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मूविंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन दिस डायरेक्शन. सो व्हेन वी आर मूविंग आवर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन दिस डायरेक्शन दिस मेटल विल बी मूविंग फ्लोइंग लाइक दिस. ओके, दिस मेटल विल बी फ्लोइंग लाइक दिस. इसका मतलब क्या है कि ये जो टूल है ये जब इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है दैट टाइम ड्यू टू द शियर दिस मटीरियल इज कमिंग आउट. ओके, बाय द वे कटिंग आपका क्या कर रहा है, टूल कर रहा है, ये जो पोर्शन है आपका इसकी कुछ विड्थ होगी तो वो जो विड्थ है दैट विड्थ इज कंप्लीटली इन कॉन्टेक्ट विद दिस टूल सरफेस और एट दिस सरफेस. ओके, व्हेन वी आर होल्डिंग द फोर्स एंड वी आर गोइंग फॉर द कटिंग ऑपरेशन इन दिस डायरेक्शन दिस अमाउंट दिस मटीरियल इज बेसिकली कमिंग ओवर दिस सरफेस. Okay, over this surface. So it is moving in this direction and this is flowing, this single point cutting tool is moving in this direction. इस तरह से होता है, ठीक है. अब क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि कुछ डिस्टेंस हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कवर कर ली है एंड एट द टाइम वी आर मेकिंग अनदर फिगर. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका इनिशियली वर्क पीस था, तो ये आपका वर्क पीस है. ठीक है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अब मैं बना लेता हूँ, तो ये जो है मेरा ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. ठीक है, नाउ ये जो मटेरियल है जो आपका, पहले मैं इसका इसके बारे में बता देता हूं, ये है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ठीक है, नाउ ये जो टूल की अबव सरफेस है विद रेस्पेक्ट टू इस, ये जो सरफेस है इस सरफेस को हम बोलते हैं रेक फेस. ठीक है, ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक फेस. ठीक है, फ्लैंक फेस जो होता है दैट इज जो आपकी ये वाला जो सरफेस है जो मशीन्ड सरफेस है. दिस इज सरफेस इज बेसिकली द मशीन्ड सरफेस. इसका मतलब क्या है कि ये मशीनिंग हो चुका है यहाँ पे. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है अगर हम यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे अभी, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मशीन हो चुका है. ठीक है, यहाँ से जो ऊपर का मटीरियल है वो रिमूव हो चुका है. ठीक है, तो नाउ दिस इज बेसिकली द मशीन सरफेस. ओके, एंड जो आपका ये वाला एंगल है देखिए ये आप हॉरिजॉन्टल कटिंग कर रहे हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपकी मशीनिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर आपकी ये डायरेक्शन मान लीजिए, ये वाली जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर. ठीक है, यहां से रेक फेस के बीच का जो एंगल है हम उसको बोलते हैं अल्फा, दैट इज रेक एंगल. अल्फा इज बेसिकली द रेक एंगल. अल्फा इज द रेक एंगल. ठीक है, नाउ जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो आपका है दिस इज इन दिस डायरेक्शन द मटेरियल इज कमिंग आउट. ओके, एंड दिस मटेरियल व्हिच इज कमिंग आउट वी कॉल दिस एज अ चिप और चिप्स. ओके, तो ये जो है दिस इज ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज बेसिकली द चिप्स. नाउ इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका मोशन, ये जो आपका मटीरियल है दिस इज एट दिस पोजिशन द शियर डिफॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस. ओके, शियर डिफॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो मटेरियल है व्हेन वी आर मूविंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन दिस डायरेक्शन द फोर्स बिकॉज ऑफ दैट द मोशन बिकॉज ऑफ दैट द मटेरियल इज कमिंग आउट दैट इज ड्यू टू द शियर एक्शन. ओके, दैट इज ड्यू टू द शियर डिफॉर्मेशन. सो प्लीज कीप इन माइंड द मटीरियल विच इज कमिंग आउट इन दिस रीजन इज द मटीरियल इज विच इज कमिंग आउट और द मटीरियल रिमूव्ड इन द मेटल कटिंग इज ड्यू टू द शियर एक्शन. ओके, तो ये आपका शियर जोन है. ठीक है, यहां से क्या है कि ये चिप्स आपकी बाहर की तरफ आ रही है. ठीक है, नाउ हॉरिजॉन्टल के साथ जो आपका शियर प्लेन है दिस इज शियर प्लेन, ये जो एंगल बना रहा है वी कॉल दिस एज अ फाई एंड दिस फाई इज बेसिकली द शियर एंगल. फाई इज बेसिकली द शियर एंगल. ठीक है, नाउ ये आपका वर्टिकल के साथ रेक फेस के साथ ये एंगल हो गया आपका अल्फा. ये जो एंगल है दिस इज फ्लैंक फेस और ये जो एंगल है दिस एंगल इन बिटवीन द फ्लैंक फेस एंड द मशीन सरफेस वी कॉल दिस एज अ गामा एंड दिस गामा इज नथिंग बट इट्स अ क्लीयरेंस एंगल. क्लीयरेंस एंगल और हम इसको रिलीफ एंगल भी बोलते हैं. रिलीफ मतलब
जो हमें बेड कंडीशंस में रिलीफ प्रोवाइड करता है, दैट इज क्लीयरेंस प्रोवाइड करता है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ रिलीफ एंगल। ठीक है, तो क्लीयरेंस एंगल भी कह सकते हैं और रिलीफ एंगल भी कह सकते हैं। ये वाला जो एंगल होता है, जब हम अगर टूल की ही बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक है, थीटा का मतलब, ये जो थीटा एंगल है, दिस इज बेसिकली द लिप एंगल, एंड लिप एंगल इज नथिंग बट इट्स अ टूल एंगल। ओके, नाउ टूल एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर टूल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, तो जितना ज्यादा लिप एंगल होगा उतना ही बेहतर रहेगा टूल के लिए, क्योंकि उतनी ही टूल की लाइफ ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा आप अल्फा और गामा को बढ़ाते जाएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। व्हेन दिस इज 90, इट मींस दैट अल्फा प्लस थीटा प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 90 माइनस अल्फा प्लस गामा। जितनी आपकी ज्यादा अल्फा प्लस गामा की वैल्यू होगी, उतना ही थीटा क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, थीटा जो आपकी टूल की स्ट्रेंथ है उतनी कम होती जाएगी। तो आप जब भी अल्फा और गामा को मेंटेन करें या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाए या देखें, दैट टाइम यू प्लीज कीप इन माइंड दैट कहीं स्ट्रेंथ टूल की स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो रही है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द थीटा, ओके, एंड दिस इज अबाउट फाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके, तो इसके लिए मैं एक नया फिगर यहीं पर बना लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं हम लोग। सो ठीक है, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, नाउ दिस इज द चिप व्हिच इज कमिंग आउट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि लाइक वी आर मूविंग, वी आर होल्डिंग दिस टूल एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेसिकली हमारी कटिंग क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो जो जिस स्पीड से कटिंग हो रही है, वी कॉल दिस एज अ वी, विच इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ कटिंग स्पीड और कटिंग वेलोसिटी। दिस इज कटिंग स्पीड, okay, and the velocity through which this chip, because the material which is removed from this work, this through this shear action or from the workpiece, okay, which is coming out, which is flowing in this direction, okay, jo chip hai aapki is direction mein flow rahi hai, to uski jo velocity hai, that we are considering, that is vc, is vc is nothing but it's a chip velocity or chip cutting, chip speed. Okay, now ठीक है, हम यहाँ पे मैं इसमें बता देता हूँ ये वाले फिगर में। नाउ दिस इज द शियर जोन। ओके, सो अगर आपका ये शियर जोन है, तो देखिए, अगर आपका जब आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टली, इन दिस डायरेक्शन यू आर मूविंग, दिस इज द मटीरियल विच इज ओवर हियर बेसिकली, जहां पे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साथ कॉन्टेक्ट है, इन दिस डायरेक्शन द डिफॉर्मेशन इज इन शियर जोन। ओके, द डिफॉर्मेशन इज इन शियर जोन, दिस इज द डिफॉर्मेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है वहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंड वी आर कॉलिंग इट इज अ शियर डिफॉर्मेशन। इफ देयर इज अ डिफॉर्मेशन, मींस देयर इज अ पार्टिकल मूवमेंट इज देयर, इट मींस दैट द व्हाट एवर द पार्टिकल दैट इज इन द शियर जोन, दैट हैज सम वेलोसिटी। ओके, दैट हैज सम वेलोसिटी, सो द वेलोसिटी ऑफ दैट, दिस इज द शियर जोन एंड दिस वेलोसिटी हैज इन दिस डायरेक्शन, so this is we are calling it as a vs, so that is basically the shear velocity, that is in the shear zone. ठीक है, now okay, this is phi. ठीक है, ये आपने जो choose किया है, this is uncut chip thickness, this is t. ठीक है, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके आपका ये पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच की जो, जैसे जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पे अनकट चिप थिकनेस चूज किया है, अनकट चिप थिकनेस का मतलब क्या है कि रैंडमली यू आर कीपिंग समथिंग, मतलब आपको एक डेप्थ ऑफ कट चूज करना है, बट डेप्थ ऑफ कट आई एम नॉट टेकिंग दिस टर्मिनोलॉजी ओवर हियर, बिकॉज दैट टर्मिनोलॉजी वी कंसिडर इन द टर्निंग ऑपरेशन। तो ये जो हम सिंपल कटिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको डेप्थ ऑफ कट ना कहकर हम लोग अनकट चिप थिकनेस कह रहे हैं। तो आपने आपको मटीरियल जितना रिमूव करना था, उतना आपने क्या किया, अनकट चिप थिकनेस चूज किया। ठीक है, नाउ जिस तरह से ये आपका टी है, अनकट चिप थिकनेस है, उसी तरह से क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या है कि आपकी शियर थिकनेस है, जो शियर डिफॉर्मेशन जोन है उसमें जो थिकनेस बन रही है, दैट इज टी एस, एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज
थिकनेस ऑफ द प्राइमरी शियर जोन, ओके, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन, ठीक है, थिकनेस ऑफ द प्राइमरी शियर जोन. नाउ सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज, हमें जो ये चिप फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन बी सी, ठीक है, तो इसकी भी हमें क्या करनी है कि थिकनेस को मेजर करना है. बट जनरली आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइक सर अनकट चिप थिकनेस जितना हमने चूज किया तो जो मटेरियल रिमूव होगा वो उसकी थिकनेस भी उतनी ही होगी. बट एक्चुअल में इतना नहीं होता है. व्हेन यू विल एक्चुअली मेजर द थिकनेस अनकट चिप, मतलब जो चिप है आपकी, आपने आप व्हेन यू विल गो टू मेजर दैट वन थ्रू द वर्नियर कैलिपर, यू विल सी दैट अ लिटिल अमाउंट विल बी ग्रेटर देन व्हाट यू आर चूजिंग इनिशियली. मतलब जो आपकी अनकट टीसी है, दैट इज चिप थिकनेस दैट विल बी ग्रेटर देन the uncut chip thickness, okay? तो इसका रीजन ये, इसका रीजन जो है अभी जो प्राइमरी एट दिस लेवल जो मैं आपको कह सकता हूँ वो ये है कि देखिए शेयर जब हो शेयरिंग जो बेसिकली आपने जो इनिशियली मटीरियल थिकनेस डेप्थ ऑफ कट चूज की, मान लीजिए कि ये पूरा आपने डेप्थ ऑफ कट चूज कर लिया, ठीक है, ये पूरा आपको मटीरियल रिमूव करना है, तो ये आपकी डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है, मतलब ये आपकी अनकट चिप थिकनेस है. नाउ व्हेन यू आर रिमूविंग द मटीरियल दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग दैट That is a shear deformation. Shear deformation की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो actual जो material है ये basically क्या हो रहा है, एक तरह से spread हो जा रहा है. Now अगर ये spread हो जा रहा है तो basically हम लोग uncut chip thickness किस तरह से measure कर रहे हैं, मतलब chip thickness कैसे measure कर रहे हैं वो depend करता है. Now when it is deformed we are measuring the thickness of this chip. When we are keeping from this point we are keeping a perpendicular, keeping a perpendicular to this rake face, and this thickness we are defining, this is TC. जो ये आपकी thickness है, इस point से लेके यहाँ तक, this is basically TC. Okay, जो perpendicular है. अगर ये perpendicular नहीं है, तो उसको हम TC नहीं कहेंगे, ठीक है? तो that depends कि आप measure कैसे कर रहे हैं. हमें TC basically measure इस तरह से करना है. तभी जाके क्या होगा कि we can say that okay that is a TC. Now and this TC अगर अदरवाइज वो बेसिकली क्या है कि अगर आपका डिफॉर्म हुआ है तो आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक करेंगे, सो दैट विल नॉट गिव यू द टीसी, दैट विल गिव यू द टीएस, ओके, शेयर थिकनेस आपको देगा एंड दैट विल बी ग्रेटर देन बोथ दिस टू. तो अगर आपका आपको ये टी क्लियर हो गया, दैट इज अनकट चिप थिकनेस, शेयर थिकनेस क्लियर हो गया, टीसी नाउ इट्स क्लियर टू यू. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन वन ऑफ द टर्म दैट इज नॉट, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट ओवर हियर, बट दैट इज बेसिकली नथिंग बट अ रेशियो. And this ratio is basically T by TC. So this is basically the uncut chip thickness. And this is chip thickness. So we call this ratio as a chip thickness ratio. Chip thickness ratio. Now this R will be equals to T by TC. So if it is T by TC, then as you know that TC value is greater than T1. So this value will always be less than 1. ठीक है? Now इसमें okay, this is ये basic terminology हो गया. Now we are going to discuss one more thing, two more things. First is in this only, in this portion that इनिशियली वॉट एवर द वॉल्यूम दैट वी आर चूजिंग, लाइक इसमें जो हमने मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो इनिशियली जो हमें लाइक वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि हमें सिर्फ एक सिंगल पास पे ही जाना है, ठीक है, एक सिंगल पास हम करेंगे एंड वी विल गो फॉर दैट कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम देयर, ओके, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव के पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से टोटल अमाउंट पहले देख लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मटीरियल वी आर रिमूविंग, ओके, तो दिस मच अमाउंट ऑफ द मटीरियल वी आर रिमूविंग, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू टी, एल इंटू बी इंटू टी, ठीक है, सो दिस विल बी द वॉल्यूम. सो द इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हम चेक कर रहे हैं, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसका मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब कि देखिए आपको, आपने इनिशियली चूज किया कि हमने इतना मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है, तो एट द एंड भी जो आपका स्क्रैप निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, क्योंकि पूरा तो एक साथ निकलेगा नहीं, ठीक है, दैट डिपेंड्स अगेन ऑन द मटेरियल एज वेल एज द पैरामीटर्स व्हाट यू आर टेकिंग.
तो अगर हमें चिप्स जो मटेरियल रिमूव हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, तो जो चिप्स आपकी हैं या फिर जो स्क्रैप मटेरियल है आप उसको तोलिए और आप उसको मतलब मीजर करिए कि दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू द वॉट एवर द वॉल्यूम दैट यू हैव चूजन और दैट यू हैव रिमूव फ्रॉम द मटेरियल, ऑब्वियसली इट विल बी सेम. सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम. दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल वॉल्यूम, और होना भी चाहिए. इनिशियल वॉल्यूम क्या है, एल इंटू बी इंटू टी. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, मान लीजिए कि आप एक एजम्पशन इसमें हम मान के चलते हैं कि जो विड्थ है वो कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द कटिंग ऑपरेशन. ठीक है, ये पहले ये प्लीज एजम्पशन आप नोट कर लीजिएगा, दिस एजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी मटेरियल ऑपरेशन होंगे जब तक उसमें बोला नहीं है कि आपको विड्थ ऑफ ये जो विड्थ है अगर ये वेरिंग है या फिर मान लीजिए कि अलग अलग फॉर्म्स में हम इसको कट कर रहे हैं, जब तक नहीं बोला है तब तक हम विड्थ को कॉन्स्टेंट रख के चलेंगे. वी विल एज्यूम दैट दिस इज कॉन्स्टेंट. ओके, दिस इज कॉन्स्टेंट मीन्स आपका जो अगर एक सिंगल पास है तो उसमें जितनी भी विड्थ उसकी है वो सारा रिमूव हो जाएगा. ठीक है, ये हम एजम्पशन करके चलेंगे. नाउ अगर हम एजम्पशन करके चल रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है अगर ये कॉन्स्टेंट है और आपकी फाइनल जो थिकनेस है दैट विल बी टी सी, तो ऑब्वियसली जो आपकी एल होगी वो क्या होगी, चेंज होगी. क्योंकि देखिए बी अगर कॉन्स्टेंट है, टी सी थिकनेस आपकी चेंज हो चुकी है, नाउ इट इज टी सी, तो आपकी एल भी क्या होगी, चेंज होगी. तो L क्या होगा कि नाउ L यू विल मीजर के इंडिविजुअल थिकनेस की आप लेंथ मीजर कीजिए कि कितनी है. ठीक है, एंड दैट विल बी द टोटल लेंथ. ओके, सो वी आर डिफाइनिंग दैट दैट लेंथ किसकी मीजर कर रहे हैं हम लोग, चिप्स की. सो दिस LC, LC विल बी द लेंथ ऑफ द चिप. और L क्या है, दैट इज अनकट चिप चिप लेंथ बेसिकली. ठीक है, इनिशियली जो आपका मटेरियल था दैट लेंथ ऑफ दैट वर्क पीस बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ से LC into B into TC, तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ T by TC विल बी इक्वल्स टू, इसको इधर ले आइए और इस L को इधर ले आइए. ठीक है, सो दिस विल बी T by TC विल बी इक्वल्स टू L by LC. ठीक है, means uncut chip thickness, this chip thickness ratio will be equals to L by LC. तो यहाँ से इस equation से R जो है, this R will be equals to T by TC. ठीक है, और मैं इसको LC by LB लिख सकता हूँ. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक terms और है जिसके लिए हम R को define किया कर सकते हैं, that is we are defining that terms to the mass flow rate. ठीक है, तो mass flow rate का मतलब क्या है कि mass flow rate क्या होता है आपका, rho into A into V. ठीक है, रो दैट इज डेंसिटी, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड बी इज नथिंग बट इट्स अ वेलोसिटी. ओके, तो इनिशियली हम लोग क्या चूज कर रहे हैं कि जो टूल है उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज कटिंग वेलोसिटी एंड दैट इज बी डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो वर्क पीस है आपका, हम उसकी डेंसिटी को रो कंसिडर कर लेते हैं. और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, दिस इज अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है, नाउ वी आर होल्डिंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ओवर हियर एंड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया. दिस विल बी This will be the cross-sectional area. ठीक है, तो ये cross-sectional area क्या है, ये जो thickness है, ये जो हाँ width है that is B and ये जो thickness है that is T. So B into T will be the cross-sectional area. ठीक है, now जो chip है आपकी, okay पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं कि initial mass flow rate and final mass flow rate both will be equal. ठीक है, so if both will be equal then initial rho into A into V जो आप sorry this is capital V लिख लेते हैं. That is initial, that will be equals to rho into A into V, that will be final. ठीक है, तो initial जो आपका cross sectional area है, that is B into T आपने choose किया है. जो velocity है tool की, that is nothing but that is V. Okay. Now जो final है, final क्या है अब आपका mass flow rate, that is in the form of chips. So chips again material जो है आपका, जो material आपने remove किया है, वही आपका material है at the scrap भी. तो density will be same, so this will be rho. Now, density will be B अगर आपका same है, width अगर same है, so this cross sectional area will be equals to B into TC, okay? And the cutting speed, now this will not be the cutting speed, this will be the chip velocity, okay? So this will be the VC, तो rho और B, दोनों तो same है, so this will be cancel out, and from this equation, this will be T by TC will be equals to VC by V. ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गया. नाउ ये जो आर है यहाँ पे टी बाई टी सी विल बी टी बाई टी सी विल बी इक्वल्स टू एल सी बाई एल, और एक टर्म हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज बी सी बाई
ठीक है। सो प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। आर दैट इज चिप थिकनेस रेशियो विल बी इक्वल टू टी दैट इज अनकट चिप थिकनेस बाई टी सी दैट इज चिप थिकनेस इक्वल टू एल सी दैट इज लेंथ ऑफ दिस चिप लेंथ ऑफ अनकट चिप थिक अनकट चिप VC is the chip velocity and V is basically the cutting velocity. देखिए V और VC थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि sometimes इसमें students confused हो जाते हैं. So VC is basically the chip velocity and V is the cutting velocity. ठीक है? Okay. Okay. इसमें मैं आपको एक एक relationship और बता देता हूँ कि like basic terminology है. क्योंकि ये जो क्या था कि हमारा बेसिक जो एक कटिंग होती है वो वाला पोर्शन था. इसके अलावा लास्ट लास्ट जो एक लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस मैंने आपको जो प्रिंसिपल वाला पार्ट समझाया था उसमें थोड़ा सा मैंने डिस्कस इसको किया था. तो मैं थोड़ा सा और उसको डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये एक शाफ्ट थी इनिशियली ठीक है और हमने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चूज किया था ठीक है. तो देखिए ये एक शाफ्ट है और आपने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे लिया है. हियर यू जिस स्पीड से आपका रोटेट हो रहा है दैट विल बी द एंड दैट इज रोटेशनल स्पीड ठीक है. जिस स्पीड से आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं टूल को दैट इज नथिंग बट दैट इज अ फीड एंड फीड ऑल्सो वी हैव डिस्कस वेरी वेल इन द लास्ट वीडियो दैट इज डिफाइंड इन द एमएम पर रेवोल्यूशन स्पेशली फॉर द लेथ मशीन ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज नथिंग बट द कैपिटल डी दैट इज डायामीटर ओके एंड दिस इज नथिंग बट द फाइनल डायामीटर. सो फाइनल डायामीटर यू कैन से दैट इज अ डी डैश एंड यहाँ से क्या है कि हम डेप्थ ऑफ कट को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस विल बी डी माइनस डी डैश बाई टू ठीक है. और यहां से भी ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक इन द टर्निंग ऑपरेशन. सो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन चिप थिकनेस रेशियो दैट इज आर रेक एंगल एंड द शियर एंगल ओके. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए अगेन जो हमने ये फिगर बनाया है ये फिगर हम बहुत बार यूज करने वाले हैं ठीक है. तो आप प्लीज इस फिगर को याद कर लीजिए ठीक है. देखिए v with v velocity cutting velocity we are moving in this direction means tool we are holding and moving in this direction. vc is the cutting velocity which is in this direction and vs is nothing but it's a shear velocity which is in this direction okay. Now initially hum log choose kar rahe hain ki this is a point capital a maan lete hain hum log and perpendicular to this horizontal so this will be the point b and this is nothing but this is c theek hai. एक और हम चूज करते हैं कि वी आर कीपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ए सो दिस इज परपेंडिकुलर इन दिस पॉइंट इज नथिंग बट इट्स डी ठीक है. ये जो एंगल है दिस एंगल इज बेसिकली अल्फा सो दैट इज द टूल सॉरी दिस इज द रेक एंगल ओके. और ये जो एंगल है दिस इज फाइ ठीक है. नाउ दिस ट्राइंगल फ्रॉम दिस इज ए बी इज बेसिकली टी AC is basically TS, okay, and this AD is nothing but it's TC. Okay, this is D, not B. Okay, so now this relationship from this, देखिए A, B or C, triangle A, B or C अगर आप देखेंगे, so this will be like this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base. क्योंकि ये क्या है आपका phi है, ठीक है. तो this is T and this is TS. क्या हम यहाँ से phi relation T और T में relation find out कर सकते हैं क्या? Obviously perpendicular और hypotenuse हमें given है, so this will be sine phi will be equals to T by TS. यहाँ से TS की value निकाल लीजिए, so TS will be equals to T by sine phi. ठीक है? This is equation number one. Now okay, this is alpha. ठीक है? देखिए ये वाला जो angle है this angle please look at here this angle is what this is complete is 90
So this angle will be 90 minus 5. Okay. And this angle is how much? This angle is alpha. This is 90 minus 5. Okay. So this complete angle is how much? This is 90 minus 5 plus alpha. And this is 90 degree. So ye agar maan lijiye x hai. So this total sum of this triangle ABC will be equals to x plus 90 degree plus 90 minus 5 plus alpha. That will be equals to how much? 180 degree. So this will be cancelled out. And this x will be equals to 5 minus alpha. So ye jo aapki relationship, ye jo angle hai aapka, this angle will be equals to 5 minus alpha. Theek hai? Agar ye aapka 5 minus alpha hai, so this angle, dekhe main aapko again iska figure bana deta hu. So this will be like this one. So this angle is A, this is D, and this is C. This angle is nothing but this is 5 minus alpha. Ye jo aapka hai, this is TC and this is TS. Theek hai? तो नाउ अगर ये आपका एंगल है तो ये आपका बेस हो गया एंड दिस इज हाइपोटेनियस. सो कोस कोस 5 माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू बेस दैट इज टी सी बाई टी एस. यहां से टी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. सो दिस विल बी टी सी अपॉन कोस 5 माइनस अल्फा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों जो वैल्यू डिफाइन कर रही है वो किसकी है? शेयर थिकनेस की है और द थिकनेस इन द शेयर जोन, प्राइमरी शेयर जोन. तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 से दिस विल बी इक्वल्स टू t अपॉन sin 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 से दिस विल बी इक्वल्स टू tc अपॉन cos 5 माइनस अल्फा. ठीक है, थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं. सो दिस विल बी cos 5 माइनस अल्फा विल बी इक्वल अपॉन sin 5, दिस विल बी इक्वल्स टू tc बाय t. ठीक है, नाउ इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूं. ठीक है, सो दिस cos 5 माइनस अल्फा, cos 5 माइनस अल्फा अपॉन sin 5 इक्वल्स टू, देखिए tc बाय t है तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, दैट इज t बाय tc. तो ये क्या हो जाएगा? r हो जाएगा. नाउ cos a माइनस b, cos a माइनस विल बी a माइनस b विल बी इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b. सो दिस विल बी cos 5 into cos of alpha प्लस sin 5 into sin of alpha. ठीक है, अपॉन साइन 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई आर. सो पहले आप इसको इसके नीचे ले लीजिए. तो देखिए आप इसको इस तरह से कर लीजिए, दैट इज कोस अल्फा अपॉन, मैं लिख रहा हूं दैट इज साइन 5 अपॉन कोस 5. ऐसा कर सकता हूं मैं? ठीक है, क्योंकि कोस 5 क्या था? ऊपर था तो मैंने उसको नीचे लेके आ गया. ठीक है, सो दिस विल बी कोस 5 प्लस साइन 5 से साइन 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? दिस इज साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 बाई आर. ठीक है, आर को क्या करिए, आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेगा तो दो टर्म है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली. सो दिस विल बी लाइक आर कॉस ऑफ अल्फा अपॉन साइन 5 अपॉन कॉस 5, दैट विल बी टेन 5. ठीक है, प्लस आर साइन अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1. एंड इसको इस तरह से कीजिए, दैट इज आर कॉस ऑफ अल्फा अपॉन टेन 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस आर साइन अल्फा. ठीक है, तो यहां से क्या करिए, tan phi की वैल्यू निकाल लीजिए. सो tan phi विल बी इक्वल्स टू r cos ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया. सो दिस रिलेशनशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए, इस फॉर्मूले पर फॉर्म क्वेश्चन जो है गेट में बहुत सी बार पूछे गए हैं. इवन तो ये जो डेरिवेशन है ये 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया है. और अगर मान लीजिए कि गेट में कोई इससे बड़ा लेवल का भी क्वेश्चन आता है तब भी ये फॉर्मूला आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है आपको फाइ नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, आर और एल्फा की वैल्यूज गिवन रहती है. ठीक है, तो फाइ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मान लीजिए कि अगर आपको ये मतलब फाई की वैल्यू ना दी हो, ऑब्वियसली आप यू हैव टू गो थ्रू इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दिस फॉर्मूला. ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी सिनॉप्सिस बना रहे हैं मेटल कटिंग पे तो आप पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा और टर्मिनोलॉजी लिख लीजिएगा कि यहाँ पे आर क्या है, दैट इज चिप थिकनेस रेशियो, अल्फा क्या है, दैट इज रेक एंगल, एंड फाई क्या है आपका शेयर एंगल. ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, गेट 2001 में पूछा गया है, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी कानपुर. तो वो हम देख लेते हैं. देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 इसलिए है क्योंकि जो भी स्लाइड्स में मैं क्वेश्चंस को ऐड करते जा रहा हूं, दैट इज मैं क्वेश्चन नंबर सीरीज में उसको ऐड कर रहा हूं. ऐसा नहीं है कि आज हम करा रहे हैं तो आज पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ओके, तो एट द एंड आई विल आल्सो गेट टू नो एंड यू विल आल्सो गेट टू नो दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड इन द क्लासरूम स्पेशली. ओके,
देख लेते हैं इसको। देखिए आप अगेन आप मैंने देखिए ये स्क्रीन पे है और वीडियो जब आप देख रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड इन द लास्ट वीडियो दैट यू शुड ऑल्सो यूज योर कैलकुलेटर कॉपी एंड पेन। ओके सो दैट यू शुड फर्स्ट गो थ्रू इट एंड वट एवर द आंसर यू विल गेट इट जस्ट क्रॉस चेक विद मी। ओके एंड अगर मैं कभी गलत हो जाता हूँ तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं हो जाता हूँ अक्सर गलत, ठीक है। ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ माइल्ड स्टील विथ जीरो डिग्री सॉरी 10 डिग्री रैक एंगल, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, पहले सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है आपको उसको लिख लीजिए, दैट इज 10 डिग्री। चिप थिकनेस रेशियो वॉज ऑब्टेंड एज 0.40, मतलब आर की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.40, ठीक है। द शेयर एंगल इवेल्यूएटेड फ्रॉम दिस डेटा, सो इट्स नॉट डेट इट्स बेसिकली डेटा, ठीक है, डेटा इज इन डिग्री आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था और 2 मार्क्स में पूछा गया था, दैट इज 10 फाई विल बी इक्वल्स टू सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज आर कॉस ऑफ अल्फा, आपको यूज करना है अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको आर की वैल्यू गिवन है, अल्फा गिवन है, फाई आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.40 इंटू कॉस ऑफ अल्फा कॉस दैट इज 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 0.40 इंटू साइन 10 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या रहता है, आजकल नाउ डेज द कैलकुलेटर विच इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक यू शुड कीप ऑल दिस। देखिए जनरली क्या होता है जब आप कॉम्प्लेक्स करेंगे चीजों को तो गलत होने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो बेटर इट वुड बी बेटर दैट यू शुड गो फॉर द इंडिविजुअल कैलकुलेशन, एंड इंडिविजुअल कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जो पहले न्यूमरेटर में है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल गिव यू 0.3939, मैं भी अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे, और इसके बाद क्या करिए जो डिनोमिनेटर में है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस विल बी साइन 10 डिग्री, ठीक है, और मेरे मुझे इसको जो मुझे वैल्यू मिल रही है दैट इज 0.9305, ठीक है। देखिए ज्यादा अगर आप सारी वैल्यू को एक साथ रहते हैं तो गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और इतना ईजी प्रॉब्लम में अगर आपने 2 मार्क्स खो दिया तो इससे ज्यादा बेकार कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, मैंने जो ये कैलकुलेट किया है दोनों वैल्यूज को, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इज 0.4233, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये फाई की नहीं है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ऑफ 10 फाई। सो यहाँ से क्या करिए कि 10 इनवर्स कर दीजिए, सो 10 इनवर्स जब करेंगे सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 22.94, ठीक है। ये वैल्यू मेरे आ रही है, तो जरूरी नहीं कि आपके भी आए अगर आपने गलत किया है तो, ठीक है, अगर आपने ठीक है। तो ये वैल्यू दैट इज 22.94, ठीक है, सो डिग्री में है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड सी यू सून।